होगा हमारे चैनल हिंद 24 टीवी में मैं आकांक्षा तिवारी। विकास के लिए रो रहा ग्राम पंचायत और ऐलाब, रास्ते, आवास, पानी व बिजली के लिए तरसता ग्राम पंचायत और ऐलाब। पूर्व प्रधान व वर्तमान प्रधान के कार्यों की पोल को खोलता हुआ दिख रहा है ग्राम पंचायत और ऐलाब। जब हमारी टीम ग्राम पंचायत और इलाके बड़ी पुरवा में पहुंची, वहां की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि आज से 100 साल पहले के समय में हम पहुंच चुके हैं। वहां पर एक दलित परिवार है जिसका नाम प्रमिला देवी है। सुबह 7 बजे जोरदार बारिश की वजह से कच्चा मकान भरभराकर गिर गया। मकान में रह रहे परिवार और बच्चे बाल बाल बचे। आपसे बता दें कि जहां आज के समय में लोग चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, हमारे भारत सरकार और यूपी सरकार जगह जगह एक्सप्रेसवे और ब्रिज का उद्घाटन और नव निर्माण कराने में जुटी हुई है, उसी भारत देश में जौनपुर जिले के मड़ियाहूं तहसील के अंतर्गत आने वाले इस ग्राम सभा और ऐला की दशा बद से भी बदतर है। जब हमारी बात यहाँ के ग्रामीणों से पीड़ितों से हुई तो उन्होंने बताया कि पिछले प्रधान निशा सेठ ने हम लोगों के साथ राजनीति और पक्षपात किया। पीड़ित ने बताया कि हमारा आवास ऑनलाइन हुआ था, लेकिन जब बनने का समय आया तो प्रधान ने कहा कि आपका आवास कट चुका है और आपको आवास नहीं मिल पाएगा, जिस पर पीड़ित महिला काफ़ी हताश और दुखित हुई। और आज जब उसका मकान गिर गया तो उसके रहने के लिए कोई भी साधन नहीं है। आप जैसा कि विजुअल में देख रहे हैं, गिरे हुए घर के अंदर खाना बनाना सोना सारी व्यवस्था इसी पीड़ित परिवार को इसी टूटे हुए घर में रहकर करना पड़ रहा है। और जो इस समय वर्तमान ग्राम प्रधान विजय लाल यादव, जब पीड़ित के मकान गिरा उसके बाद जब पीड़ित प्रमिला देवी ने फोन किया प्रधान को, तो प्रधान ने कहा कि आपने हमको वोट नहीं दिया इसलिए मैं नहीं आऊँगा, जो तुम्हें करना है वो करो। तो बताइए, जब ग्राम प्रतिनिधि, ग्राम का प्रधान अगर किसी दलित गरीब के प्रति मन में यह भाव है तो किस प्रकार से ग्राम सभा का विकास होगा, यह सोचने वाली बात है। पीड़ित और सभी ग्रामवासियों ने हमारे चैनल के माध्यम से यह अनुरोध किया है कि आप इस पंचायत की समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए गरीबों के लिए आवास, रास्ते और बिजली और पानी की व्यवस्था कराएं, ऐसा ग्रामीणों का मांग है। आपसे बता दें कि ग्राम पंचायत और ऐला की पीड़ित प्रमिला अपने इस गिरे हुए मकान में 6 लोगों के साथ रहने के लिए मजबूर है, जिसमें 4 बच्चे और प्रमिला और उनके पति लालजी गौतम है। क्या नाम है आपका? इंदिरा सिंह। कहाँ घर पड़ता है आपका? और ऐलिया बड़ी। आपकी क्या समस्या है? समस्या भाई साहब, हमारी न संडास मिला है, न आवास मिला था, मड़ाई कुरिया है, न सड़क बा, न कुछ बा, हम ऐसे न लाइन बा, कुछ नहीं बा। यहाँ पर कितने लोगों की बस्ती है? ये यही बस्ती है। कितने लोग होंगे पूरे? 13-17-16। नमस्कार, मैं रिपोर्टर कपिल देव सिंह इस समय मड़ियाहूं क्षेत्र के औरैला ग्राम सभा में उपस्थित हूं, जहां एक बड़ी नाम की पुरवाही है, वहां पे हरजन बस्ती है, मैं वहां पर उपस्थित हूं। आपसे बता दूं कि आज इस मड़ियाहूं क्षेत्र के इस गांव में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां हमारे भारत देश का सरकार, जो हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सारी सरकारी योजनाओं का लाभ देना चाह रही है, वहीं पर औरैला एक ऐसा ग्राम सभा है जहां पर पहले पूर्व प्रधान निशा और अभी वर्तमान प्रधान विजयलाल यादव यहां के लोगों पर पक्षपात और राजनीति करने का आरोप यहां के लोगों द्वारा लगाया जा रहा है। मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि आज मैं जिस ग्राम सभा में उपस्थित हूं, मैं आपको लिए चलता हूं, एक घर है, आप देख रहे हैं कि ये घर आज सुबह 7 बजे के करीब गिर गया और यहाँ पर उस परिवार के लिए रहने के लिए, खाना बनाने के लिए, सोने के लिए सिर्फ यही एक मड़हा है टूटा हुआ, जिसमें वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हमने जब लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि इस ग्राम सभा में न तो पानी की व्यवस्था अच्छी है, न रोड की व्यवस्था है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात कि न शौचालय की व्यवस्था है, जबकि भारत सरकार शौचालय के लिए अरबों खरबों रुपए खर्चा कर रही है। और उसका कहना है कि जो बहु बेटियां गांव की खुले में शौच के लिए जाती हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करने पड़ती है, लोगों के ताने बाने सुनने पड़ते हैं और आए दिन घटना दुर्घटना होती रहती है, जिसकी वजह से भारत सरकार शौचालय का निर्माण घर घर करवा रही है। इस ग्राम सभा की ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि यहाँ के ग्राम प्रधान, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ किसी भी घर में शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है। और
सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे हमने बुजुर्ग चाचा से बात किया तो उन्होंने बताया कि अगर कोई मरीज कोई बीमार पड़ जाता है तो हमको खटिए पे डाल करके चार पांच लोग उठा करके कम से कम 1.5 किलोमीटर लेके जाते हैं, उसके बाद वहाँ से रोड स्टार्ट होता है, वहाँ से हम कहीं हॉस्पिटल लेके जा पाते हैं। तो सबसे दैनिक स्थिति यहाँ रास्ते की है। दूसरी, इस 18 घरों के इस बस्ती में कुल 300 लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आवास नाम का कोई भी चिन्हित चीज़ नहीं है। इनका कहना था कि पिछले प्रधान ने ऑनलाइन किया था, लेकिन आने के बाद भी इनका आवास कट गया, आवास नहीं मिला। अब इस बारिश में ये गरीब परिवार कहाँ जाए, कहाँ रहे, क्या बनाए, कहाँ बनाए, कैसे रहे, इसके लिए इस गांव के